तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि PbNO3 ट्वाइस को हीट किया गया, ठीक है, और PbO+ NO2 प्लस O2 बना है, ठीक है। PbNO3 ट्वाइस का मतलब यहाँ पे लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये लेड ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है। तो आपको ट्रू फॉल्स बताना है, इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहाँ पर चूंकि एक रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये हुआ ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन थर्मल क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीट का रिक्वायरमेंट दिखाया गया है कि नहीं, तो ये हीट से रिएक्शन होती है, ठीक। तो ये आपका एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। आगे देखिए, कह रहा है कि NO2 इज़ अ कलरलेस गैस, ऐसा नहीं है, रेडिश ब्राउन गैस होता है यहाँ पर NO2 का, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो पहला तो ट्रू था, दूसरा फॉल्स हो गया। अगला कह रहा है O2 इज़ ब्राउन गैस, नहीं O2 ब्राउन गैस नहीं है, अगर ऐसा होता तो जब आप सांस लेते हो तो आपको दिखता ना कि यहाँ पे ब्राउन गैस नाक में जा रही है कि नहीं, तो O2 कलरलेस गैस हो गई, यहाँ पर ब्राउन गैस नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला है कि ये जो रिएक्शन है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल ठीक कह रहा है, हीट जिसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें दिया जाता है, जिससे रिएक्शन होती है, तो उस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। एंडो अंदर, याद कर लीजिए, है ना, इसमें हीट की रिक्वायरमेंट है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए, थैंक यू।